तो फ्रेंड्स, आप सभी को लग रहा होगा ये कोई ड्रोन शॉट है, लेकिन ये कोई ड्रोन शॉट नहीं है। यहाँ पर जो है बनाया गया है रेलवे की तरफ से छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम सब देख सकते हैं कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है कैसे बना हुआ है। ये है लखनऊ का पूरा रेलवे स्टेशन, ये देख सकते हो। लखनऊ की मेन बिल्डिंग, लेकिन ये कोई भाई ड्रोन शॉट नहीं है जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक नॉर्मल ग्लास पर बना के रखा गया है। मेट्रो स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं कहीं घूमने जा पाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। और जस्ट हमारे पीछे आप देखोगे ना तो ये था चारबाग मेट्रो स्टेशन, और हमारे पीछे शंख और गदा देख रहे कितने बड़े रखे हैं। अभी आपको जो है मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ शंख और गदा कितने बड़े बड़े रखे हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो आप लोग जो है शंख और गदा कितने बड़े बड़े रखे हुए हैं यहाँ पर। ये मंदिर है एक, और इधर ये था चारबाग मेट्रो स्टेशन था, और नीचे देखो सब सामान बिक रहा है खाने पीने के लिए। PCO यानी फोन भी होता है वहाँ पर। और जस्ट इधर हमारे बगल में है चारबाग रेलवे स्टेशन, ये देख सकते हो फ्रेंड्स जो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कितने बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, पंखे यानी जैसे हेलीकॉप्टर में जितने बड़े पंखे नहीं लगे थे फैन, उतने बड़े बड़े लग रहे हैं। ये वहाँ चल रहे हैं भाई, मैं इतनी दूर बैठा हूँ फिर भी मुझे हवा लग रही है इसकी वजह से। 10 रुपये का टिकट ले लिया है और बड़े वाले पंखे देखने के बाद चल गए अंदर स्टेशन के, थोड़ा स्टेशन घूमेंगे टहलेंगे और देखते हैं कहीं फ़ोन चार्ज करने का जुगाड़ हो जाता है तो फ़ोन चार्ज कर लेंगे, नहीं तो वाले घूम लेते हैं स्टेशन के। भाई साहब ढूंढ रहा हूँ कहीं चार्जिंग सॉकेट मिल जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन कहीं पर भी मुझे अभी तक चार्जिंग सॉकेट नहीं दिख रहा है। पूरी रेलवे स्टेशन आधे से ज़्यादा घूम लिया है मैंने, लेकिन कहीं पर मुझे जो है नहीं दिख रहा है। ये छोटे छोटे व्हीकल्स खड़े हैं, जैसे लखनऊ स्टेशन बहुत बड़ी है ना तो वहाँ कहीं भी जाने के लिए जा सकते हैं।